को सामने देखकर कैसा लग रहा है अभिजीत? जिंदा हूं ये ख्वाब बाकी है, तेरा मेरा हिसाब बाकी है। आऊंगा जल्दी वतन में तेरे, देने को तुझे जवाब बाकी है। मिसिंग यू हर्पेस डोंगरा। ये कैसे हो सकता है? हमें तो इसे अपने हाथों से पंकज। माय गॉड पंकज जी, ये हरपेस डोंगरा कहां से टपक गया? सर उसे तो हमने गोली मारी थी। कौन सी गोली थी वो भाई? मोम की? टिक 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 टिक। इस टिक टिक से ही अब तुम लोगों की जिंदगी चलने वाली है। घड़ी की तरफ ध्यान दो, फिर घड़ी की तरफ, क्योंकि अब हर केस 24 घंटे में सॉल्व होगा। हर केस 24 घंटे में सॉल्व करना होगा, नहीं तो दफा हो जाओ सीआईडी से। CID, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जिसकी नाक के नीचे गुनाह थर्राता है। चौबीस घंटे में ना सिर्फ उन्हें मौत का रहस्य सुलझाना होगा, बल्कि खुद को मुझसे भी बचाना होगा, सिर्फ तेरी वजह से। हाँ बस घर पहुंचे क्या? ठीक है ठीक है, अब आराम ही करूंगा और क्या। एक मिनट, मैं बाद में फोन करता हूं। ताला टूटा है। जो कोई भी है बाहर आ जाओ। चोरी भी नहीं किया, चक्कर क्या है? कौन घर में आया, क्या ढूंढ रहा था? कौन है लड़के? वाकई इसकी जान खतरे में है या ये कोई और नहीं जान? यार अभी तो मेरे घर आ, नहीं अभी तुरंत तुरंत यार, बहुत जरूरी बात है, फोन पे नहीं बता सकता, तुम आ जाओ। हाँ आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूं, बस जल्दी आओ। चौक जी, तुम ठीक हो? अचानक इतनी रात गए बुला लिया,
क्या बात है? अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। क्या हुआ? यार ये देखो, HD हर्पेस डोंगारा। हाँ, हर्पेस डोंगारा। पहले केक भेजा था ब्यूरो में, अब इस लड़की की फोटो भेजा है, इसमें लिखा हेल्प मी। पर उसने ये किसकी फोटो भेजी है तुम्हें और क्यों? यही तो पता लगाना है यार। और मुझे ये भी नहीं मालूम ये फोटो हर्पेस ने भेजी है या ये कोई और रखे चला गया। काम तो ये हर्पेस का ही लगता है, क्योंकि अगर इस लड़की के परिवार वालों को ये फोटो देना होता तो CID ब्यूरो में आके देख सकते थे। चोरी छुपे तुम्हारे घर का ताला खोल के ये फोटो यहाँ रख नहीं जाते। ये बात तो है, लेकिन सवाल ये है कि इस लड़की को हम ढूंढेंगे कहाँ और कैसे? कितने दिनों बाद टाइम मिला है ना शॉपिंग करने का। हाँ यार, आज ना जी भर के शॉपिंग करेंगे। पता है तुझे, मैं पिछले काफी दिनों से ना शॉपिंग के लिए पैसे इकट्ठे कर रही हूँ। ठीक है, आज पूरा मॉल ही खरीद लेंगे। एक मिनट रुकिए मैडम, एक बार फिर से वापस जाइए। ये क्या हो रहा है? आपके लगता है आपके मशीन में कोई प्रॉब्लम है, ये बार बार क्यों बज रही है? चलिए मेरे साथ। देखिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। मैडम तमीज से बात कीजिए ना, तो हमारा दिमाग खराब है और ना ही ये मशीन बिना वजह बोलती है। ये देखिए आवाज आ रही है, क्या है तुम्हारे सर में? इस चूहे बिल्ली के खेल में बड़ा मजा आ रहा है। ये गया दूसरा शिकार, अब मेरा निशाना है CID। भागो CID भागो, घड़ी की सुइयां चल पड़ी। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। गुब्बारा 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 गुब्बारा। सर कौन सा बलून चाहिए, हरा लाल पीला? ये नाटक बंद कर और ये बता कि उस औरत के बारे में कुछ पता चला कि नहीं? नहीं सर, काम जारी है, मैंने अपने सारे आदमियों को उसी काम के लिए लगा रखा है। हमने वो गुमशुदा लोगों के सारी लिस्ट चेक कर लिया, उस लड़के की कोई रिपोर्ट तो लिखवाई नहीं गई है। सर मैं मुर्दा घर भी गया था, चेक कर लिया, कोई फायदा नहीं। सर ये आपके लिए। HD किसे दिया? पता नहीं सर, वो वहाँ पे कोई खड़ा था। कहाँ पर अधिका? सर वो यहाँ कहीं खड़ा था। यहाँ पर? हाँ सर। जरा देखो आसपास वो आदमी दिखता है क्या? आई वो? नहीं सर, मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे लगता है कि वो चला गया। चला गया? अभिजीत, अरे पता नहीं ये हर्पेस क्या करने वाला है और कहां मिलेगा वो, हमें किसी भी हालत में जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा। हाँ नहीं, हमारे सारे लोग उसे ढूंढने में लगे हुए हैं सर। हाँ सर। अभिजीत मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ ओके ओके, ये फोन है। हाँ बोलो। अच्छा तुम जिस गुमनाम लड़की को ढूंढ रहे हो ना, उसका नाम ईशा है। ईशा? कौन है ईशा? एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है, वैसे दिखने में बहुत सीधी साधारण है और दूर दूर तक उसका किसी भी लफड़े में कोई भी लेना देना नहीं है। ये ईशा कहाँ मिलेगी? हाय
मुझे फ्री हेयरकट के लिए कॉल आया था। ईशा, गीतू? यस, आइए ना, प्लीज बैठिए, मैंने आपको कॉल किया था। ओके। हेलो मैम, मेरा नाम दया है और मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। देखिए प्लीज, बिना परेशान हुए और बिना हल्ला मचाए हुए थोड़ी देर बैठिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये क्या हो रहा है? जो वो कह रहे हैं चुपचाप सुनो, ओके? देखो ईशा, बात ये है कि आपकी जान को खतरा है। क्या? क्या बकवास है? मेरी जान को खतरा? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये फोटो आपके पास कहाँ से आई? कोई हमारे पास छोड़ गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है कोई आपके साथ मजाक कर रहा है। ईशा, ये कोई मजाक नहीं है, ये फोटो हार्पेस ने भेजी है। अभी हार्पेस कौन है? आप हार्पेस को नहीं जानती? जी नहीं, और प्लीज आगे से मेरा टाइम वर्थ वेस्ट कीजिएगा ऐसे झूठे बहाने देकर, जैसे आज आपने मुझे बुलाया हेयर कट के लिए। ईशा, आपको सिक्योरिटी की जरूरत है और वो सिर्फ हम दे सकते हैं। जी नहीं, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं होने वाला है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे आपकी मदद की भी जरूरत नहीं है। ईशा, मेरी बात सुनो। ये ईशा अभी सलून से निकली है, पीछा करो उसका और उसके घर पे कड़ी निगरानी रखो। कौन कौन आता जाता है पूरी डिटेल चाहिए मुझे, एक एक मिनट की डिटेल्स। ओके गीतू, थैंक यू सो मच। एनी टाइम। डीसीपी चित्रों ने मुझे क्यों फोन करा? हाँ सर। तुम्हारी याद की खिचड़ी को घुमाता हूँ जरा। क्या कहा था मैंने, याद है? हाँ सर, हम अपना काम पूरी होशियारी के साथ कर रहे हैं। छह घंटे लग गए बाल कटाने में। बाल है या घास का खेत है? बेड लगा लो सलून में ही, सो जाओ उधर ही। दो खाट और मंगा लो, एक एसीपी की एक अभिजीत की। तो सर आप मुझ पे नजर रखे हुए हैं? सच तो ये है सर कि मैं भी यहाँ हूँ, अपने काम के सिलसिले में आया था। काम? हाँ सर। ये शैम्पू में से सिर निकालो बाहर, मैंने कहा था केस 24 घंटे में सॉल्व होना चाहिए, 24 घंटे। अब तक तो सब कुछ ठीक ठाक है सर, लेकिन ये लड़की। आप लोगों को परेशानी क्या है? हमें कोई परेशानी नहीं है, बल्कि तुम्हारे परेशानी का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम। अरे पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग हर जगह मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? मेरा दम घुट रहा है। चलो एक पल के लिए हम ये मान भी ले के तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है, तो वहाँ मॉल में तुम पर जानलेवा हमला क्यों हुआ? वो हमला मेरे लिए नहीं था। क्या? वो हमला मेरी फ्रेंड स्वाति पे हुआ था, और जिसने गोली चलाई थी वो पकड़ा गया था। वो पहले कुछ गलत काम करती थी और एक दिन उसने वो सारे गलत काम छोड़ दिए थे, लेकिन उन गलत लोगों ने उसका पीछा ही नहीं छोड़ा, और जब उसने मना कर दिया उन लोगों को, तो वो लोग उसकी जान के पीछे पड़ गए। अब तो आप लोगों को सब सच पता चल गया ना, अब तो मुझे छोड़ दो प्लीज। दया, भले हमला स्वाति पर हुआ, लेकिन ईशा की जान को भी तो खतरा है। सर, इसी गली में लेफ्ट साइड में आठवां घर है। आठवां? पांच, छ, सात, आठ। सुनीता? जी साहब, आप? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? सब क्या बात है, कुछ सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है सुनीता। देखो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है,
लेकिन शायद होने वाला है, इसलिए हम तुम्हारे पास आए। क्या होने वाला है साहब? किसी का खून हो सकता है। क्या क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या हुआ है? और आप लोग अंदर कैसे आ गए? आप लोग मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते हो? मैंने बोला ना, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। Just go, please, जाओ यहाँ से। ईशा, ईशा। श्रेया। चल, चल। ध्यान से। तुम कौन? हाँ? क्या क्यों आया? ईशा को मारना चाहते हो? ये फोटो तुम्हारी? हाँ साहब, मेरी फोटो है। ये फोटो हमें किसी ने भेजी है और हमें शक है कि जिसने ये फोटो भेजी है वो तुम पे जानलेवा हमला करने वाला है। तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी है? अरे नहीं साहब, मैं तो घर घर जाके काम करने वाली गरीब औरत हूँ। मेरी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? और मुझे मार के किसी को क्या मिलेगा साहब? देखो, इंस्पेक्टर जयवंती है, ये तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। तुम जहाँ पे भी जाती हो काम करने जाओ, ये तुम्हारे साथ जाएंगे, तुम्हारे घर पे भी रहेंगे 24 घंटे, समझे तुम? ये क्या कह रहे हैं आप है? मैं तो ईशा का मंगेतर हूँ, रंजन। हम दोनों शादी करने वाले हैं और मैं उसे क्यों मारूंगा? आप कुछ भी कह रहे हैं। सर, ईशा ऊपर आराम कर रही है। अच्छा, ठीक है, हम लोग चलते हैं। हेलो, सीआईडी यहाँ आ चुकी है। चलिए। हाँ दया, हरपेस की कोई खबर? अभी तो कुछ पता नहीं चला, मैं बहुत जल्द कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। यार, कोई बड़ी अनहोनी होने से पहले पता चल जाए हरपेस कहाँ है। पर हाँ विजित, मैंने ये ईशा और सुनीता के बारे में पता कर लिया है। दोनों सीधी सारी शरीफ औरतें हैं, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो नहीं। अच्छा, तो हरपेस इन औरतों के पीछे क्यों पड़ा है? प्लान क्या है उसका? सर, ईशा की हालत अब ठीक है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की है कि आप लोग उसकी जान बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है कि वो जल्दी समझ जाएगी। कौन है ऊपर? कर क्या रहा है वो छत पे? रेडी श्रेया, जाओ जरा देख के आओ पीछे से। दया, ईशा को देखते हैं। ईशा, 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 ईशा। श्रेया, तुम आ चुकी है? माय गॉड, ये देखो हाथ की उंगलियां जल गई है, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक से जलती है वैसे। कहीं इसकी मौत इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से तो नहीं हुई? बिजली का करंट? सर, पानी बह रहा है, लगता है इस नलके को हार लगाने से करंट लगा है। संभल के, करंट है सर। सर, ये रहा वो आदमी, ऊपर इलेक्ट्रिक वायर से छेड़छाड़ कर रहा था। कहाँ है हरपेस डोंगारा? हरपेस? कौन हरपेस? वही जिसने तुम्हें ईशा का खून करने के लिए यहाँ भेजा है, कहाँ है वो? मैं तो असल में इनका पड़ोसी हूँ। वो सुबह बिजली चेक करने वाला आया था, वो चेक करके गया, फिर अचानक से बिजली फिर गायब हो गई। तो मैं ऊपर देखने के लिए गया था तो अचानक देखा कि कुछ वायर खुले पड़े थे, तो मैंने उनको जोड़ दिया। बिजली वाला आया था? कहाँ से आया था, कौन था वो?
हाँ श्रेया बोलो। जयवंती ध्यान से सुनो, ईशा का खून हो गया। क्या? देखो तुम सुनीता को किसी सेफ जगह ले जाओ, उसकी जान को खतरा हो सकता है। ठीक है ठीक है। सुनीता सुनीता क्या हुआ मैडम, अब सुनीता को क्यों आवाज दे रही हो? देखिए मैडम मैं सीआईडी से हूँ, सुनीता की जान को खतरा है। क्या सुनीता सुनीता हाँ सर। राजू तुमने अंधेरी कॉलोनी में जो काम किया था ना, उस काम से साहब बहुत खुश है, तुम्हें और बड़ा काम देने यहाँ आया है। कहाँ काम करना है साहब? सीआईडी ब्यूरो में। होश में आओ, ये बताओ बिजली के तारों के साथ छेड़छाड़ क्यों की तुमने? साहब मैं मजबूर था, अगर मैं वहां बिजली के तार के साथ छेड़छाड़ नहीं करता तो मैं मर जाता, मेरी जिंदगी खतरे में, मुझे माफ कर दो साहब। कैसे, किससे खतरा है तुम्हें? एचटी ये किसने दिया तुम्हें? साहब कल रात मुझे मेरे घर के दरवाजे के नीचे पड़ा मिला था, बाहर निकल के देखा तो कोई नहीं था, फिर एक फोन आया और फोन वाले ने कहा अगर मैं उसका काम नहीं किया तो मुझे जान से मार डालेगा, मुझे बचा ले साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये हरपेस डोंगारा एचटी करना क्या चाहता है, चल क्या रहा है इसके दिमाग में? अच्छा राजू जिस नंबर से उसका कॉल आया था वो नंबर दें। समझ भी नहीं आता है, इतनी कड़ी नजर रखे हुए थे हम लोग, फिर भी ये बेचारे दोनों की जाने चली गई। बॉस अगर तुम लोग साए की तरह से इनके साथ रहते ना तब भी इन दोनों की डेथ होनी थी। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे तो ताजुब इस बात का हो रहा है कि ये अब तक जिंदा कैसे रही, इन्हें तो पहले ही मर जाना चाहिए था। यार तू क्या कह रहा है सारू जी? देख ईशा की मौत इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से हुई है और सुनीता टेरेस से गिर गई और मौत हो गई उसे। नहीं बॉस जैसे तुम बता रहे हो इन दोनों की मौत वैसे नहीं हुई है। तो कैसे मरी बता? बता एक मिनट। ये देखो बॉस इन दोनों के सर में ये नेल्स कीले। ये कीले? माय गॉड ये देखो इतनी सारी कीले। हाँ इतने सारे नेल्स। सर इस तरह के नेल्स तो कंस्ट्रक्शन साइट पे इस्तेमाल किए जाते हैं। पर सर जब इन दोनों के सर में कीले घुसाई जा रही थी तो इनको पता कैसे नहीं चला? हाँ सालूम के साहब दर्द तो हुआ होगा ना? नहीं प्रेडी क्योंकि नेल गन से जब इनके सर में नेल घुसाई जा रही थी उससे पहले ही इन दोनों को बेहोश कर दिया गया था। और बॉस नेल घुसाने के बाद इन दोनों के सर पर एक खास किस्म का केमिकल लगा दिया गया था। तो फिर होश में आने के बाद दर्द हुआ होगा? नहीं प्रेडी होश में आने के बाद भी इन दोनों को दर्द नहीं हुआ क्योंकि कुछ नेल्स ने इनकी उन नर्व्स को डैमेज कर दिया जिनसे इंसान को दर्द महसूस होता है। बेसिकली इन दोनों की मौत ब्रेन हेमरेज की वजह से हुई है। वैसे सड़ोंगे ये दोनों कीलों को अपने सिर में कब से लेकर घूम रहे थे? 24 घंटे से। क्या ये कीले जो कारपेंट्री में इस्तेमाल होते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के घर में कोई कारपेंट्री का काम चल रहा हो? जिस नंबर से राजू को फोन आया था वो नंबर ट्रेस हो गया सर। किसका नंबर है वो? ईशा के नंबर से फोन किया गया था सर। ईशा? क्या ईशा ने अपने आप को मारने की सुपारी दी? नहीं फ्रेडी ऐसे हो ही नहीं सकता है। ईशा अपने आप को मारने की क्यों सुपारी देगी? कौन हो सकता है जिसने ये नंबर इस्तेमाल किया? तो कहीं रंजन तो नहीं है? रंजन को फोन लगा फोन। नहीं सर फोन नहीं उठा रहा है। रंजन फोन उठा नहीं रहा है। काम करो सब लोग रंजन का पता लगा। मैं स्विट्जरलैंड जाता हूं। स्विट्जरलैंड क्यों सर?
हरपेश डोंगारा की खबर निकालनी पड़ेगी। हम तीनों भी थे जब अभिजीत ने उस पर गोली चलाई। वहां बर्फ में मरा पड़ा था वो, फिर भी वापस कैसे आया? और तो और उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं मिल रही है। ऊपर से वो फोटो पे फोटो भेजे जा रहा है। उसका पता लगाना ही पड़ेगा। हरपेस डोंगारा। कमाल है, हम जिसे खूनी समझ रहे थे उसी का खून हो गया। पूरा घर छान मारा, कुछ भी हाथ नहीं लगा। ओ, तकिए के नीचे से इनवॉल्व एचडी। ओ, मतलब इसे भी हरपेश नहीं मारा है? समझ भी नहीं आ रहा सर, यह हरपेश इन लोगों को क्यों अपना निशाना बना रहा है। हाँ सर, पहले ईशा, फिर सुनीता, अब ये रंजन, इन तीनों का हरपेश डोंगारा के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? कोई तो कनेक्शन होगा, कोई ऐसा कनेक्शन जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया। अरे सुनो भाई साहब जी, आप इस बस्ती में रहते हैं? जी। अच्छा, सुनीता को जानते हैं? घर में काम करती है। तो उसके घर पे कुछ दिन पहले ये कारपेंट्री का काम चलता था? कुछ दिन पहले काम तो चल रहा था, शायद कारपेंट्री का हो सकता है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। आशा ईशा के घर पे भी कारपेंटरी का काम चल रहा था? ठीक है, थैंक यू। जी बात है, फिर काम किसने किया होगा? समझ में नहीं आ रहा। अगर बाहर का कोई आदमी था तो इन दोनों ने उसे अपने यहाँ काम करने दिया कैसे? यार एक बात तो तय है, अगर कारपेंटर आया था तो उससे फोन पे तो जरूर बात हुई होगी। बिल्कुल। सचिन, इस ईशा और सुनीता की कॉल डिटेल्स निकालो। सर डिटेल्स आ गई, मैं लिख आता हूँ। हाथ धो गए यार, ये तो हाथ धो के पीछे पड़ गए। कौन है, क्या हुआ? अरे यार वैसे ही परेशानी क्या कम है? इनका फोन मत उठा तुम। सर ये देखिए, इनकी कॉल डिटेल्स में एक नंबर कॉमन है जिसपे ईशा और सुनीता दोनों ने फोन किया। हो सकता है यही नंबर कारपेंटर का हो सकता है। अच्छा इस नंबर पे कॉल करो। कोई फायदा नहीं सर, मैं फोन कर चुका हूं, उसका फोन ऑफ आ रहा है। एक काम करो, इस नंबर से सबसे ज्यादा जिस नंबर पे कॉल किया गया है उसकी पूरी डिटेल्स निकालो, वही हमें कारपेंटर तक ले जाएगा। सर वो डिटेल्स मैंने निकाल ली है। वेरी गुड। सर ये नंबर जिसका है उसका नाम हरीश है। तो हरीश के नंबर पे बात हुई है इस कारपेंटर की सबसे ज्यादा। हरीश, मैं इस हरीश के पीछे पड़ता हूँ और कारपेंटर का पता लगाता हूँ। तुम तब तक जरा फॉरेंसिक लैब आओ, सारों के साहब का फोन आया था। सर क्या हुआ, इसके सिर से कितने नेल्स निकाले गए? नेल्स से क्या लेना देना, इसकी मौत नेल्स की वजह से हुई नहीं है। क्या, कि मौत नेल से नहीं हुई? तो फिर कैसे हुई? इसकी मौत जहर देने की वजह से हुई है। बस प्रैक्टिस मैच खत्म, असली टूर्नामेंट शुरू। एक एक करके सारे विकेट्स गिरेंगे, अभिजीत सारे विकेट्स गिरेंगे। अरे सुनो भाई। जी साहब, क्या बनवाना है साहब? तुम सुमित हो? जी नहीं, मैं रमेश हूँ। जरा सुमित को बुलाओ। हाँ हाँ साहब। सुमित, सुमित भाई जरा बाहर आना। हाँ साहब बोलो। मैं हूँ सुमित। कुछ काम करवाना था। क्या बनवाना है? एक ऐसी हथकड़ी जो किसी चाबी से ना खुले। ए कौन हो साहब, और क्या फालतू बकवास कर रहे हो? मैं ऐसे फालतू काम नहीं करता, चलो जाओ यहाँ से। तो तू फालतू का काम नहीं करता? तो ईशा और सुनीता के घर में भजन गाने गया था। कौन है ये, कहाँ से आया है? से तो नहीं मारा उनको ना? तो नहीं मारा ना? साहब कौन से नीचे करो साहब, मुझे इससे बहुत डर लगता है। हाँ बोल।
मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे जो कहा गया था वही मैंने किया साहब। तुझे बोला गया तो खून कर दिया तूने, हैं? इतनी बेदर्दी से मारा उन लोगों को, कैसे मारा तूने, हैं? कैसे मारा? वो मेरे लिए चाय लेकर आती थी, कल भी वो चाय लेकर आई, मैंने बड़ी चालाकी से चाय में नींद की गोली मिला दी और फिर उसे पिला दिया और चाय पीकर बेहोश हो गई। जब वो बेहोश हो गई तो सोते सोते उनके सिर पे इस नेल गन से कीले ठोक दें, हैं? किसने बोला था? हरपेश ने? हरपेश ने तुझे बोला था करने के लिए? बोल। ये किसने भेजा? क्या इसमें? सर ये बाहर रखा हुआ था, वॉचमैन ने बताया। सीआईडी का टैग लगा हुआ है इस पे, उसने अंदर लाके रख दिया। ये काम फिर से उस हार्पेस का तो नहीं हो सकता? स्कैन करना होगा तो स्कैन मशीन ले क्या? इसमें कोई बम तो नहीं है? कॉर बॉक्स? सर अब इसके अंदर क्या हो सकता है? देखते हैं। एचडी अभिजीत सर की फोटो। ये अभिजीत सर को स्विच ऑफ आवर। सामने देखकर कैसा लग रहा है अभिजीत? मैं हरपीस नहीं हूं। कौन हो तुम? कटोरी कटोरी डमडा। सुनोगा अभिजीत? हाँ नहीं सुना है। है कौन तू? है अरे म्यूजिक बंद कर समझा। एक बार मेरे हाथ खोल दे फिर मैं बताता हूं तुझे। शांत अभिजीत शांत। अभिजीत क्या है कि इतना चीखने चिल्लाने से तुम्हारी दिमाग की नसें फट सकती हैं, और ये तेज दौड़ता खून है ना हमेशा के लिए रुक सकता है। अपने आप को संभालो अभिजीत। अपने आप को संभालो। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक।
तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। 10 मिनट है तुम्हारे पास, जो पूछना चाहो पूछ लो। टेक टॉक टेक टॉक। क्यों जान ले रहे हो मासूम लोगों की तुम? मुझे जरूरत से ज्यादा समझदार लोग बिल्कुल पसंद नहीं। उन्हें जहां पहुंचाना था उनकी सही जगह पे पहुंचा दिया। जो तू कर रहा है वो ठीक नहीं है। तू सीआईडी के हाथों से नहीं बच सकता। बेहतर होगा अपने आप को हमारे हवाले कर दो। सीआईडी को तो मैं अपने घुटनों पे ले आया हूँ। सीआईडी मेरा कुछ नहीं कर सकते। और तुम्हें ऐसा तड़पते हुए देखते ना, बहुत मजा आ। पांच मिनट बचे हैं, पूछो जो पूछना चाहते हो पूछो। टिक टॉक टिक टॉक। कैसे लग रहा है मौत को इतने करीब से देखकर? हैं? बहुत मजा आ रहा है। तेरा सपना पूरा नहीं हो पाया। हाँ, मगर तू अपनी मौत खुद देखेगा। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। अपने जैकेट के अंदर जाके देख अभिजीत। एक टॉक एक टॉक। Boom. मासूम लोगों को, वो भी कील चुभोकर। वो सुनीता मेरी काम करने वाली भाई, ये रोज की चिक चिक से मैं पक गया था। मैं क्या नाम, ईशा, इंश्योरेंस एजेंट। रोज रोज मुझे फोन कर करके परेशान करती थी, इंश्योरेंस ले लो इंश्योरेंस ले लो। मेरी जान की बड़ी फिक्र थी उसको। दोनों को शांत कर दिया। और रंजन, रंजन को क्या मारा? बेचारा रंजन मेरे लिए काम करता था। मैंने उसको वहां भेजा ईशा को मारने के लिए, और वो गला उसके प्यार में पड़ गया। और क्या ना, प्यार करने वालों से मुझे सख्त नफरत। हटा दिया उसको रास्ते। यह ना समझदारी का काम। तो अपने आप को बहुत समझदार समझता। जेल के अंदर तेरी समझदारी धरी की धरी रह जाएगी। पागल तो तू है ही, वहां और पागल हो जाएगा। अरे अभी तो खेल शुरू है भाई, आगे आगे देखो होता है क्या। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। ना उम्र से, ना नाम से, ना पेशे से, हीरो की पहचान होती है बस उसके निस्वार्थ साहस से।
ऐसे हीरोज को सीआईडी करता है सलाम, सीआईडी वीरता अवार्ड्स। अगर आप भी जानते हैं ऐसे किसी हीरो को तो हमें लिख भेजिए इस पते पर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।